तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम सभी स्टूडेंट को बताने वाले हैं कि बीटीई यूपी के तरफ से आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईमेल आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट का जो बीटीई यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर नहीं डाली जाती है, कुछ सूचनाएँ जो है यहाँ पर ईमेल के द्वारा भी दी जाती हैं, जिसका मैं यहाँ पर प्रिंटआउट देख रहा हूँ आपको। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट एक बात जान लीजिए और सभी स्टूडेंट के लिए यह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ट्विटर पर जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड कराया जा रहा है बीटीई यूपी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के संबंध में, जिसके कारण दोस्तों सुबह से तो जो है 50,000 से ज्यादा ट्वीट हो गया था और शाम होते होते दोस्तों 2,00,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुका है। तो इसमें दोस्तों जितने स्टडी के चैनल हैं सभी लोगों ने अपना अपना मुहिम बना रखा है और आप सभी स्टूडेंट से इसमें सहयोग की आशा है। तो ऐसे में बीटी यूपी की जो परीक्षा है ये ऑनलाइन हो और इसको लेकर के दोस्तों ऑफिशियल अपडेट कुछ आए और यह ऑफिशियल अपडेट आपका जो बीटी यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। शाम तक दोस्तों रीट्वीट हो चुका है, कम से कम 2,00,000 से ज़्यादा रीट्वीट हो चुके हैं कि बीटी यूपी के एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में ही कराया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है इस समय और हो सकता है तो कल के कुछ न्यूज़पेपर में कुछ इस तरीके की कुछ न्यूज़ देखने को दोस्तों मिल सकती है कि परीक्षा जो है आपके 100% ऑनलाइन होगा। देखिए, परीक्षा तो ऑनलाइन होने के लिए बहुत सारे न्यूज़ वाले ने और न्यूज़ के खबरों ने दे दिया है कि परीक्षा को ऑनलाइन होगा, मैं भी मानता हूं, लेकिन जब तक किसी भी तरीके की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता है तब तक दोस्तों आपको 100% इस बात को लेकर के चलना है कि 20 तारीख से जो परीक्षा आपकी ऑफलाइन बताई जा रही है वही होगी। लेकिन दोस्तों सबसे मेन बात है कि यदि आपकी दोस्तों तैयारी अच्छी है ना, तो चाहे आप पेपर आपका ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आपका यदि दोस्तों पेपर ऑफलाइन होगा तो भी जा करके आपकी तैयारी रहेगी, तभी आप दे पाएंगे, ऑनलाइन होगा तभी भी तैयारी रहेगी, तभी दे पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में सबको मुफ्त में पास कर दिया जाता है, जा करके पूछ लीजिएगा कि ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट का बैक लगता है, बहुत ही ज़्यादा बैक लगता है। ऑफलाइन में तो ये है कि कुछ अगर अंतिम में गलती हो जाता है तो स्टेप मार्किंग देकर के आपको पास भी कर दिया जाता है, सॉरी ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं होती। ऑनलाइन में गलत मतलब गलत फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग यही चाहते हैं कि एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में कराया जाए। 2,00,000 से ज्यादा दोस्तों ट्वीट हो चुके हैं इस समय ट्विटर पर, तो आप सभी स्टूडेंट जितने लोग देख सकते हैं वो लोग जाकर के और ट्वीट कर दें एक बार, ठीक है, रीट्वीट कर दें कि एग्जामिनेशन को ऑनलाइन मोड में ही होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पे नाम नॉम एंड रोल से संबंधित एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों आप सभी स्टूडेंट के लिए निकली हुई है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, इसलिए जो है इस सूचना को आप लोग पढ़िए। ये आपका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट के तौर पे आप सभी स्टूडेंट से यह बताया गया है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा जनवरी 2022 जिसमें प्रथम तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा जनवरी 2022 में सम्मिलित होने वाले जितने छात्र छात्राएं हैं इनके नॉम एंड रोल यानी कि नामावली के संबंध में ये सूचना है। ठीक है, सूचना क्या है स्टूडेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि महोदय, अवगत कराना है कि विषम सेमेस्टर परीक्षा जनवरी 2022 प्रथम तृतीय पंचम एवं विशेष बैक पेपर परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले जितने छात्र छात्राएं हैं इनकी जो नॉम एंड रोल यह परिषद की वेबसाइट www.btup.ac.in पर उपलब्ध लिंक जो नॉम एंड रोल मतलब कि रोल नंबर सेमेस्टर एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी मिलता है वो आप लोगों का आ चुका है और 15/1/2022 से लेकर के 18/1/2022 से परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो संस्था का प्रधान निदेशक को निर्देशित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु नामावली को प्रिंट आउट निकाल करके सुरक्षित ले लें। ठीक है, ये दोस्तों यहां पर सुनील कुमार शंकर जी का यह आपका न्यूज है। ठीक है, हम लोगों के लिए इसमें काम की बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ यही है कि अभी तक आप सभी स्टूडेंट को यह मान के चलना है जब तक ऑफिशियल कोई वेबसाइट पर आ नहीं जाता है कि परीक्षा आप सभी लोगों का ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन को लेकर के दोस्तों तैयारी करिए और एक बार हम सभी के मुहिम में जो कि ट्विटर पे आप सभी स्टूडेंट का देख सकते हैं कि ट्रेंड हो रहा है, तो ट्विटर पे दोस्तों आप सभी स्टूडेंट को रीट्वीट कर देना है ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर के। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वहाँ पर अपनी मुहिम चला रखी है कि एग्जामिनेशन को ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन देना है आप ही लोगों को, तो लेकिन आप लोगों के लिए जो एक मुहिम चलाई जा रही है तो वहाँ पर जाकर के आप लोग रीट्वीट जरूर कर ले। स्मार्टफोन सबके पास होगा, ट्विटर भी आप सभी के पास नहीं है तो आप लोग एक बार इंस्टॉल कर ले ट्विटर को और सिंपली जो है वहां पर रीट्वीट कर दे जाकर के। 5,00,000 से ज्यादा दोस्तों रीट्वीट होना चाहिए तब जाकर के कुछ जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए काम बन सकता है और कल तक कोई ऑफिशियल अपडेट आ सकती है। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।